जय भोजपुरी रो आलोक सेगुनी होरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और एक घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। प्रणाम भोजपुरिया जहान, आज की रिपोर्ट में रुवालों के बतावे जा रहा बानी फिल्म क्रिक फाइटर के 2 दिन के कमाई की। आखिर 2 दिन में भोजपुरी के सबसे महंगी फिल्म कतना कमाई ले भी है। आप लोगों के बता दी कि होली के शुभ अवसर पर यानी कि 21 मार्च के दिन बिहार और झारखंड के लगभग 60 गो सिनेमा घर में फिल्म क्रिक फाइटर के रिलीज कर गई। रिलीज होते के साथ ही फिल्म के बम्पर ओपनिंग मिलल बा, जिसे की आप लोग वीडियो देख रहे बानी। वीडियो को बारात और बाजार के ना बल्कि सिनेमा घर के वीडियो, जहाँ पे दर्शकन के खचाखच भीड़ लगल बा। सिंगल स्क्रीन हो गए चाहे मल्टीप्लेक्स हो गए, चार हाउसफुल के बागल, यहाँ तक कि अलग से कुर्सी और बेंच मंगावे के पड़ा लोग के बैठे खातिर। इतना ज्यादा भीड़ फिल्म क्रिक फाइटर के देखे खातिर लाग रहा बा। वीडियो देख रहे, वीडियो में लोग सिनेमा घर में नाचे लागल तक बा गाना सुन के। बहुत जबरदस्त फिल्म बनल भी क्रिक फाइटर, जो की भोजपुरी दर्शन के दिल पर राज कर दे भैया। आप लोग बता दी की कई गो भोजपुरी फिल्म बैक टू बैक फ्लॉप भैली सा। जी हाँ भैया, भोजपुरी फिल्म खातिर डिस्ट्रीब्यूटर ना मिलत रहे, लोग अपन सिनेमा घर में भोजपुरी फिल्म के रिलीज ना करत रहे। लेकिन एक बार फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री डूबत हुए नाव के पावर स्टार पवन सिंह बचा ले बारे अपन फिल्म क्रिक फाइटर द्वारा। जी हाँ भैया, आप लोग बता दी की पावर स्टार पवन सिंह की लाइफ के सबसे हिट फिल्म साबित हो गई भैया। फिल्म के जो नाम बा क्रिक फाइटर, इतना ज्यादा बम्पर ओपनिंग मिलल बा और ये फिल्म के कलेक्शन भइल बा कि भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे एगो नया रिकॉर्ड स्थापित कर देले भैया फिल्म क्रिक फाइटर। चलिए अब बात कर जाओ कि आखिर 2 दिन में ये फिल्म के कितना कलेक्शन भइल बा। जी हाँ भैया, आप लोग बता दी कि आप लोग के हम कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट बतावे जा रहा बानी 13 गो सिनेमा के नून शो के। जी हाँ, 21 मार्च के नून शो के रिपोर्ट आप लोग के 13 गो सिनेमा घर के हम बतावे जा रहा बानी। 60 गो सिनेमा घर में फिल्म रिलीज हो बिहार और झारखंड में, गुजरात मुंबई दिल्ली में भी बैक टू बैक फिल्म के रिलीज कर जाए, जिसे कि रउआ लोग देख रहा बानी 13 गो सिनेमा घर के नून शो के कलेक्शन। जी हाँ भैया, बहुत ज्यादा कलेक्शन भइल बा नून शो में, वो भी 21 मार्च के दिन के। तो अनुमान इहे लगावल जा रहा बा कि लगभग 55-60 लाख के कलेक्शन भइल बा 2 दिन के अंदर फिल्म क्रिक फाइटर के। जी हाँ, 55-60 लाख के भोजपुरी फिल्म जहां पर महीना में 60 लाख रुपए कमाली सा, जहां पे फिर हिट हिट फिल्म के 2 से 3 हफ्ता लाग जला 60 लाख रुपए कमाए में, वही पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म क्रिक फाइटर 2 दिन के अंदर तकरीबन 60 लाख के कलेक्शन कर ले भैया। जी हाँ भैया, आप लोग बता दे कि ई कोनो ऑफिशियल रिपोर्ट ना है। आप लोग बता दे कि फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा अभी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं बताओ गए कि आखिर एग्जैक्ट कितना कमाई भैया फिल्म क्रिक फाइटर। लेकिन अनुमान लगावल जा रहा है मीडिया रिपोर्ट द्वारा कि तकरीबन 60 लाख के करीब में 2 दिन में कलेक्शन भइल बा फिल्म क्रिक फाइटर के। आज 23 मार्च है सैटरडे, कल 24 मार्च हुई, तो वीकेंड में और भी फिल्म के कमाई बढ़ जाला। तो देखल जाओ कि वीकेंड में कितना कलेक्शन कर पा रहा भैया फिल्म क्रिक फाइटर, कितना प्यार मिल रहा है भोजपुरिया दर्शक के। तो यदि आप लोग नहीं जा देख रहे तो जाके अपना नजदीकी सिनेमा घर में फिल्म क्रिक फाइटर के देख सकत हैं जा। यदि देख रहे बन जा तो आप लोग क्रिक फाइटर कैसा लागल अपन राय बताई जा। वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा और भोजपुरी के हर खबर जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजा। तो मिलते हैं भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।